बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। थाने में दीपावली पहाड़ आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उद्धव ठाकरे गुट को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 24 अक्टूबर को थाने में दिवाली की सुबह होने वाले संगीत कार्यक्रम दिवाली पहाड़ के आयोजन की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा है कि बम्बई हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जो बेबुनियाद है। आपको बता दें कि शिंदे गुट के सदस्यों को कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति ठाणे नगर निगम यानी कि TMC द्वारा दी गई है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद राजन विचारे के भतीजे मंदार विचारे और ठाणे के तलाव पाली में पंडाल स्थापित करने वाले एक ट्रस्ट सहित 3 अन्य ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में ठाणे में पंडाल और मंच बनाने के लिए शिंदे गुट को अनुमति देने वाले TMC के 13 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जबकि शिंदे गुट के सदस्यों को ठाणे नगर निगम ने आयोजित करने की इजाजत दी है। विरोधक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपू के समर्थक है, वो ऐसे आरोप करेंगे क्योंकि उनके साथ काम करने वाले कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। जो उनके साथ है आउटडेटेड है, उनको काम का कुछ भी मालूम नहीं है। उनकी गलतफहमी है, काम करने वाले हमारे नितिन लांडगे एंड ग्रुप था। हर साल वो तलाव पाई पे दिवाली पहाट का प्रोग्राम सेलिब्रेट करता है। उन्होंने नियम से रूल के हिसाब से परमिशन मांगी और उनको परमिशन मिली, लेकिन ये लोग हैं नींद में थे, नींद से उठे और उनको याद आया, अरे दिवाली पाठ का प्रोग्राम हमें करना है। कैसा करना उनको मालूम नहीं, क्योंकि नितिन लांडगे ही प्रोग्राम करता था। और बाद में परमिशन नहीं मिली तो हाईकोर्ट में भी गए और हाईकोर्ट ने अच्छी तरह चपराक दी, उनकी याचिका खारिज की। जो सच है उसके साथ में कोर्ट ने निर्णय दिया। इस बार किस तरीके से मनाई जाएगी दिवाली पार्ट तलाव वाली में? और बैकडेटेड अर्जी, वो कुछ भी आरोप करेंगे। बैकडेटेड अर्जी बिर्जी का कुछ सवाल ही नहीं था। रिजिस्टर एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया था, रिजिस्टर जो रूल के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट हम लोगों ने अर्जी दी थी और हर एक डिपार्टमेंट ने उसी तरह से कोर्ट में अपना जो कहे जो सबूत है वो आज कोर्ट के सामने आ गए और कोर्ट ने हमारे साथ में निर्णय दे दिया। इस प्रकार का जल्लोष, जल्लोष की क्या बात है, काम करने वाले लोग है, यूथ है, यूथ एनर्जी है, वह आपको दिखेगी। और थाने में इस बार एक अलग एनर्जी है, क्योंकि थाना का आदमी आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पे सीट पे है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में जल्लोष है, उत्साह है।